भरतपुर से अपहरण कर हरियाणा में कत्ल कर गाड़ी में नासिर और जुनैद का जलाग देने वाली घटना को लेकर अलवर में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन करने वाले लोगों ने नगले सर्किल से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि हत्यारों की गिरफ्तारी की जाए एवं दोनों को मुआवजा दिया जाए। समाज विशेष के लोगों ने नगली सर्किल से पैदल मार्च निकाला और आक्रोश के बैनर तले शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर न्याय लाने की मांग की। नासिर जुनैद के कातिलों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। प्रदेश विकास समिति प्रवक्ता करीम खान ने सीरिया के कत्लेआम से की हरियाणा में हुई घटना की तुलना और नासिर जुनैद की हत्या को आतंकवादी घटना बताया और पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए सहायता राशि और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा और राजस्थान की दोनों सरकारें जिस तरीके से इसमें नाकाबिले कामयाब रही हैं, आज तकरीबन 8-9 दिन हो गए इस मसले को हुए और अभी तक पूरे तरीके से इतना बड़ा कांड होते हुए मुलजिमों को नहीं पकड़ा गया है। इससे बड़ा समाज के अंदर हर इंसानियत व्यक्ति के अंदर रोष ग्रस्त है और ये घटना हिंदुस्तान की घटना नहीं हो सकती। मैं इसे सीरिया की घटना मानता हूँ। मेरा मानना है जिस तरीके से सीरिया में ISIS घटनाएं अंजाम देती थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ जुनैद और नासिर की हत्या की गई है और ये एक हत्या नहीं है। और ये जो गौ रक्षा के नाम पर जो लोग ये रक्षक बने हुए हैं, ये रक्षक नहीं है, ये आतंकवादी हैं। हम इन्हें आतंकवादियों का नाम देते हैं। इस तरीके की कोई भी घटना अगर होती है तो वो आतंकवादी अंजाम दे सकते हैं। इंसानियत के नाम पर या गाय के नाम पर इस तरीके की घटनाएं करने वाले, गाय को पसंद करने वाले लोग इंसान को जिंदा नहीं मार सकते।